दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रामलाल एक गरीब किसान है। वो और उसकी पत्नी सुनीता सब्जियाँ उगाते हैं और बेचा करते हैं। उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। उनकी एक बेटी थी निशा। तमाम दिक्कतों के बावजूद वो उसका बहुत ध्यान रखते। वो ये भी कोशिश करते कि उसे किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे, लेकिन फिर भी कमियां रह ही जाती। वैसे निशा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसकी टीचर हमेशा उसकी तारीफ ही करती रहती थी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि निशा के हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉफी है, जिसे अपने हाथों में थाम कर निशा बहुत ही खुश है। बाबा, माँ, ये देखो, ये मुझे स्कूल से मिली है। अरे वाह मेरी गुड़िया, आप जानते हैं बाबा, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। देख रही हो लक्ष्मी, हमारी बेटी तो हमारा नाम रोशन कर रही है। देख तो रही हूँ, लेकिन आपने इस बेचारी से किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया। पूरे 2 साल हो गए, इस बेचारी को नई फ्रॉक और गुड़िया नहीं दिलाई आपने। अरे माँ, अभी मुझे नहीं चाहिए ना फ्रॉक और ना ही गुड़िया। जब पापा के पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे फिर वो मुझे खुद लाकर दे देंगे। रामलाल क्या करता, जितने पैसे वो और सुनीता मिलकर कमाते वो तो घर के खर्च और निशा की पढ़ाई में खर्च हो जाते। समय धीरे धीरे यूं ही बीतता रहा। निशा अब 22 साल की हो गई थी। उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और अपने माँ और बाबा का हाथ बटाती। रामलाल और सुनीता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं। इस हालत में उनकी बेटी से कौन शादी करेगा, क्योंकि शादी में लड़के वालों को दहेज देना ही पड़ता है। लेकिन एक दिन उनकी सारी परेशानी दूर हो गई, जब निशा की बुआ उनके घर आई। मैं निशा बिटिया के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। और हाँ भैया, वो लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए उन्हें। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर है, 2 बीघा खेत भी है उसके नाम। उन्होंने साफ मना किया है दहेज के लिए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज के समय में भी ऐसे लोग होते हैं। आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने निशा की फोटो उन्हें दिखाई थी, उन्हें निशा बहुत पसंद है। बस उन्होंने कहा कि 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की विदा कर दें और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमारी निशा के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। जल्द ही निशा की सगाई बहुत ही सादगी से राहुल के साथ हो जाती है। 2 महीने बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। समधी जी, अब 2 ही महीने हैं आपकी बेटी आपके साथ, फिर वो हमारी बेटी हो जाएगी। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किया था जो निशा को आप लोग जैसा परिवार मिला। अरे पुण्य तो हमने किया था जो निशा जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आएगी। ये तो आपका बढ़कपन है समधी जी, जो आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि मेरी बेटी निशा लाखों में एक है, वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। राहुल निशा को जल्द से जल्द ब्याह करके अपने घर लाना चाहता था, लेकिन अभी तो उसे 2 महीने का इंतजार करना था। लेकिन इसी बीच निशा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान उठा जिसकी चपेट में आकर उसकी जिंदगी में हलचल मच गई। असल में पूरे देश में कोरोना ने कहर मचाया हुआ था। क्या गांव, क्या शहर, इसकी चपेट में सभी आ गए थे। निशा को भी इसका सामना करना पड़ा।
एक रात उसे तेज बुखार आया और फिर अगले दिन उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बाबा माँ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आँखों के सामने धुंधलापन दिख रहा है, बहुत कमजोरी हो रही है। रामलाल और सुनीता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर घबरा गए। वो उसे तुरंत गांव के अस्पताल में लेकर गए। उसे वहां भर्ती करना पड़ा, लेकिन वहां उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निशा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप लोग इसे लेकर शहर के हॉस्पिटल में जाइए, वहीं कुछ हो सकता है। रामलाल और सुनीता निशा को लेकर शहर के हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ के भी हॉस्पिटल की स्थिति डरावनी थी। निशा का हॉस्पिटल की जमीन पर ही इलाज शुरू हुआ। दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, इन सब में सुनीता के सारे गहने बिक गए। उधर निशा के होने वाले ससुराल में जब उसे कोरोना होने की बात पता चली तो उनके मानो रंग ही बदल गए। एक दिन निशा की बुआ हॉस्पिटल में निशा से मिलने आई और उसने रामलाल से जो कहा उससे रामलाल बहुत उदास हो गया। ये तुम क्या कह रही हो, 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा इतने रुपए? तुमने तो कहा था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, सगाई वाले दिन भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, अब अचानक उन्हें क्या हो गया? वही तो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमने तो कुछ पैसे और गहने रखे थे निशा की शादी के लिए, लेकिन वो सारे निशा के इलाज में खर्च हो गए। 15 दिन बाद निशा बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर आ गई। हालांकि उसे अभी भी बहुत कमजोरी थी। रामलाल और सुनीता ने उसे ये नहीं बताया कि उसके ससुराल वाले 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस बीच निशा की बुआ फिर उनके घर आईं और उन्होंने कहा कि निशा के ससुराल वाले अब एक मोटरसाइकिल की भी मांग कर रहे हैं। रामलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो लोग इतने कैसे बदल गए। असल में राहुल के पिता निशा से अब अपने बेटे की शादी ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिजूल चीजें मांगना शुरू कर दी थी। इसका कारण था निशा को कोरोना होना। उन्हें लगता था कि निशा की बीमारी उनके बेटे को भी लग सकती है, जबकि निशा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि राहुल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके पिता अब निशा के परिवार से बार बार दहेज की मांग कर रहे हैं। हाँ सुनीता, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। अरे अब एक ही तो बेटी है हमारी, अपने घर चली जाए और क्या चाहिए। मैंने खेत बेचने की बात मुनीम से कर ली है, बदले में 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अरे किसी दूसरे के खेत में काम कर लेंगे, अब कितनी जिंदगी बची है हमारी। लेकिन निशा के पास तो पूरा जीवन है जीने के लिए। रामलाल ने खेत बेचने का निर्णय कर लिया। इस बीच एक और घटना घटी। राहुल की मुलाकात निशा की बुआ से हुई। दोनों की बातचीत से निशा की बीमारी का पता लगा। उसे ये भी पता लगा कि उसके पापा अब नहीं चाहते कि निशा से उसकी शादी हो, इसलिए वो बार बार दहेज की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज फिर से उन्होंने फ्रिज और टीवी की भी मांग की है। उसे ये भी पता लगा कि रामलाल उसके पिता की मांग को पूरा करने के लिए अपना खेत बेच रहे हैं। राहुल को जब ये सारी बातें पता लगी तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने निशा की बुआ से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसने एक योजना बनाई और जोर जोर से खांसते हुए अपने घर पहुंचा और अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
क्या हुआ बेटा? और तुम इस तरह खास क्यों रहे हो? पापा, खांसी तो मुझे 2 दिन से हो रही है। आज थोड़ा बुखार भी आ गया। आज मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है। क्या? कोरोना? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे अलग कमरे में रहने को कहा है और अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कितने लोग इससे ठीक हो गए हैं। पापा, मुझे ये बीमारी हो गई है, कहीं आप मुझे घर से तो निकाल नहीं देंगे ना? मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटे? बीमार होने पर बीमार का साथ दिया जाता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। और तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? पापा, फिर आपने निशा को कैसे छोड़ दिया? वो बेचारी भी तो बीमार थी ना, उसे तो इस समय हमारे साथ की जरूरत थी। लेकिन आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए दहेज की मांग करने लगे। राहुल की एक एक बात उसके पिता को चुभने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो उसी समय निशा के घर गए और रामलाल और सुनीता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई समधी जी। जब मुझे आपका साथ देना था तब मैंने ना सिर्फ आपका हाथ छोड़ा बल्कि आप लोगों को तकलीफ भी दी। मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। 2 महीने बाद तय तारीख पर निशा की शादी राहुल से धूमधाम से हो गई। दोस्तों, बुरे वक्त में किसी का साथ दीजिए, यही मानवता की पहचान है। ये कहानी केशवपुर नामक एक गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी की है, जिसके पिता का नाम विनोद था और उसकी एक बेटी थी उर्वशी। उर्वशी अपने पिता के साथ रहती थी। जब वो 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने अकेले ही अपनी 5 साल की बेटी को पाला था। उर्वशी दिखने में बचपन से ही बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। उर्वशी के पिता पास ही के गांव में एक सेठ के घर काम किया करते थे। अरे कहाँ मर गया तू? जल्दी मेरे जूते ला, मुझे वरुण के स्कूल जाना है। आज मेरे बेटे की परीक्षा का रिजल्ट आ रहा है, मुझे टाइम से पहुंचना है। ये लीजिए साहब, आपके जूते। सेठ खूब तैयार होकर अपने बेटे के स्कूल जाता है, लेकिन जब उसको अपने बेटे का रिजल्ट मिलता है तो वो गुस्से में घर आता है और अपने बेटे को खूब डांटता है, क्योंकि वरुण के परीक्षा में बहुत ही कम नंबर आए थे। और दूसरी तरफ विनोद जब अपने घर जाता है तो उसकी बेटी उर्वशी जल्दी से अपने पिता के पास आती है। पिताजी, ये देखिए, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, शाबाश। विनोद और उर्वशी बहुत खुश थे, सब सही से चल रहा था और समय बीतता गया। अब उर्वशी बड़ी हो गई थी और वो कॉलेज जाने लगी थी। और दूसरी तरफ सेठ का बेटा वरुण भी बड़ा हो गया था और वो उर्वशी के साथ ही कॉलेज में उससे एक बड़ी क्लास में पढ़ता था। लेकिन वो कॉलेज में पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था और पढ़ाई पे कुछ खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन, उर्वशी बेटा मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है, सेठ ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। लेकिन पिताजी, अभी तो मुझे खाना बनाना है, आप थोड़ी देर रुकिए। नहीं बेटा, अभी मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा होगा, और बाहर कुछ खा लूँगा मैं। विनोद जल्दी से सेठ के घर के लिए निकल जाता है। उर्वशी खाना बनाती है और सोचती है, पिताजी को सेठ जी के घर खाना दे आती हूँ
और वहीं से कॉलेज भी चली जाऊंगी। हाँ ये ठीक है। उर्वशी श्रेष्ठ जी के घर जाती है और वो वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ वरुण आ जाता है और उर्वशी को देखता है और पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मेरा नाम उर्वशी है। मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं। मैं उनको बस खाना देने के लिए आई हूँ। अच्छा तो तुम विनोद अंकल की बेटी हो। तुम खाना मेरे पास दो, मैं अंदर रख देता हूँ। अभी अंकल और पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है। उर्वशी खाना देकर निकल ही रही थी कि तभी वरुण बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं मुझे अपने कॉलेज जाना है अभी। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो तुम? तब वरुण को पता चलता है कि ये तो उसी के कॉलेज में पढ़ती है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है। वरुण उर्वशी को अपनी बाइक पर बैठाकर कॉलेज ले जाता है। ऐसे ही वो हर रोज कॉलेज में मिलने लगे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। हम शादी कब करेंगे? तुम्हारे पिताजी मान तो जाएंगे ना? अरे हाँ मैं तो पिताजी को मना लूँगा। वैसे भी इतनी सुंदर और पढ़ने में होशियार बहू पिताजी को कहीं नहीं मिलेगी। कुछ समय बीतने के बाद वरुण अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा कौन है वो लड़की? उसका खानदान कैसा है? पिताजी वो जो हमारे विनोद अंकल की बेटी है वो। क्या अपना विनोद जो हमारे यहाँ काम करता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तू इस घर के नौकर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है? पिताजी वो बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ने में बहुत होशियार है। ये पढ़ाई लिखाई की बात है तू मुझे मत समझा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरी शादी किसी बड़े घर में ही होगी और वो नौकर की बेटी कभी इस घर की बहू नहीं बन पाएगी। वरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब विनोद काम पर श्वेत के घर आता है तो श्वेत विनोद को बहुत बुरा भला बोलता है और उसे काम से भी निकाल देता है और विनोद बेचारा दुखी होकर घर चला जाता है। विनोद जब अपने घर जाता है तो उर्वशी अपने पिता को ऐसे उदास देखकर उनके पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विनोद उर्वशी को वो सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि सेठ ने उसे काम से निकाल दिया है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। और दूसरी तरफ वरुण पूरी तरह उर्वशी के प्यार में पागल हुआ था। वो तो बस अब उर्वशी से ही शादी करना चाहता था और किसी से भी नहीं। और उसके पिता बस यही सोच रहे थे कि वो उस गरीब बेटी से अपने बेटे की शादी कैसे होने से बचाएं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण विनोद के घर रिश्ता लेकर उन्हें जाना ही पड़ा। एक दिन सुबह सुबह विनोद के दरवाजे पर कोई आया। उर्वशी बेटा जरा देखो तो कौन आया है? पिताजी वो सेठ जी आए हैं। सेठ विनोद से बात करता है और शादी के लिए मान जाता है। सब कुछ सही से हो रहा था, लेकिन सेठ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पता था कि विनोद से दहेज में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। शादी वाला दिन आ गया। सब शादी की तैयारियों में लगे थे और बारात आने का समय हो गया था। विनोद ने जो भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो सब आज अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। घर के बाहर बारात आ गई थी, सब बहुत खुश थे सिर्फ सेठ को छोड़कर। तभी सेठ विनोद को बुलाता है और कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।
सेठ और विनोद कमरे में जाते हैं। देख विनोद, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से तभी करूंगा जब तू दहेज में अपनी बेटी को 5 लाख रुपए देगा। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं कहाँ से इतने सारे पैसे दूंगा? आप तो सब जानते हो, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब अपनी बेटी की पढ़ाई में और अब उसकी शादी में लगा दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सेठ जी। देख, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। तेरी बेटी की डोली तभी उठेगी जब तू मुझे 5 लाख रुपए देगा। विनोद अपनी पगड़ी उतार कर सेठ के कदमों में रख देता है और उससे बोलता है, उसके घर की इज्जत अब आपके हाथों में है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो अपने घर को मेरे नाम कर दे। विनोद बेचारा बहुत रोता है और अपने घर के पेपर सेठ को दे देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं और उनकी ये सारी बातें उर्वशी दूसरे कमरे में सुन रही थी। वरुण जब उर्वशी को हार पहनाने लगता है तभी, रुको, मुझे शादी नहीं करनी। जो एक पिता का दर्द नहीं समझ सकता कि कैसे अपनी पूरी उम्र की कमाई पिता एक ही दिन में लुटा देता है और इतने प्यार से पाली हुई बेटी किसी दूसरे इंसान को सौंप देता है, ये सोच करके शायद ये भी उससे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि उसके पिता उसे करते हैं। तुम जैसे लालची लोगों की जगह तो जेल में है। चलो वरुण बेटा, हमें ऐसे गरीब परिवार में शादी नहीं करनी। उर्वशी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। वरुण, अगर तुम्हें इससे ही शादी करनी है तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सेठ वहाँ से चला जाता है और वरुण उर्वशी से शादी कर लेता है। वरुण उर्वशी और विनोद साथ में रहने लगते हैं। उन दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। कुछ महीनों के बाद वरुण के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विनोद से माफी मांगता है और विनोद भी उसे माफ कर देता है और फिर उसके बाद से सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।